हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 8.2 ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो आज एज आई सेड करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2। इसमें जैसे 8.1 में हमने कवर अप किया था कि किस तरह से क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना रहेगा, इसमें आज हम तीन टॉपिक्स सीखेंगे। पहला है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ओके, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक सेकेंड, तो आप लोगों को ये दोनों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है। स्क्वायर में एक तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है स्क्वायर, साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो बाकी तीन भी 4, मतलब चारों तरफ सेम सेंटीमीटर रहता है। इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ये बात याद रखना, साइड्स आर इक्वल और मेजर्स आ 90 डिग्री, 4 और 4 मेजर्स आ 90 डिग्री। देन कम्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है ना, बेसिकली ऐसा रहता है, आप लोगों को पता ही होगा, ये जो रहता है ये और ये दोनों सेम होते हैं, तो ये और ये सेम होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंडली इसके भी चारों मेजर्स होते हैं एंगल के 90 डिग्री के होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर मेजर्स आर ऑफ 90 डिग्री। अभी देखो यहाँ पर एक ट्रिक समझो, यहाँ पर तो सेम सेंटीमीटर्स के होंगे, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन पूछते हैं फॉर सम रीज़न तो थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। यहाँ का जो मेजर होगा वो हायर होगा देन दिस वन, आप डायग्राम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोले कि समथिंग लाइक ए बी इज 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 2 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना ये पर्टिकुलर जो होता है ऊपर नीचे का वो 4 सेंटीमीटर में आएगा, और जो ये लेफ्ट एंड राइट में रहेंगे वो 2 2 सेंटीमीटर के होंगे। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस का जो साइड्स होते हैं वो चारों साइड्स इक्वल ही होंगे। ओके, एक चीज़ याद रखना, साइड्स आर इक्वल। ओके, बट इनके जो मेजर्स होते हैं रोम्बस के, रोम्बस का कैसा अजीब वो गरीब होता है, ऐसा रहता है ज़्यादातर, थोड़ा आधा टेढ़ा ही होता है। ओके, साइड्स सेम होंगे स्क्वायर की तरह, लेकिन एंगल्स जो होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, जैसे ऑपोजिट साइड्स हो गए वैसे यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फॉर एग्जांपल ये अगर 50 डिग्री का है, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ सिंपल सा ही फिगर, ये 50 डिग्री है। ओके, और उन लोग बोलेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके जो ऑपोजिट मतलब आमने सामने स्ट्रेट जब देखोगे तो ये भी 50 डिग्री होगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये और ये फाइंड आउट करने को बोले तो तभी क्या करना है आप लोगों को, ये देखो ये आमने, ये नेबर्स होते हैं, ये ऑपोजिट है, ये नेबर्स होते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं इसको, तो क्या करना रहेगा आपको 50। अभी सपोज ए बी सी डी दिया है, ओके ओके, एंगल ए एंगल बी है 50 डिग्री और आपको बोल रहे हैं एंगल सी फाइंड आउट करने, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री से आप कैलकुलेट करो। वापस से समझाता हूँ, रुको, 50 डिग्री है, ऑपोजिट वाला पूछा हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको सी का पूछ रहे हो तो आपको माइनस करना है 180 से। देखो बी का एंगल कितना है 50 डिग्री, सी तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है 180, वन इस तरफ लाओ ऐसे 130, तो ये है 130 डिग्री। ओके, अगर आप लोगों को ए का फाइंड आउट करने बोले, सी का एंगल मिला 130 डिग्री, ए का फाइंड आउट करने बोले तो ऑपोजिट साइड है तो ए बी 130 डिग्री होगा। ओके, तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है मुझे देने के लिए। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 पे क्या कौन से सम्स हैं वो भी देखेंगे,
और अगर आप लोगों को पॉज करके ये भी देखना हो या फिर रिवाइंड करके देखना हो तो वो भी ये भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 8.2 के सम्स। सो एज आई सेड प्रैक्टिस सेट 8.2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 आप ओपन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर ओके एंड लाइन बी सी इज 4.5 सेंटीमीटर। अभी देखो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। अभी रेक्टेंगल की बात चल रही है ओके। मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल में ना ऐसे एक फिगर बनाएंगे, पहले हम रफ डायग्राम बनाते चलो जैसे प्रीवियस में बनाया था वैसे ही ओके। ये 90 डिग्रीज होंगे सब, ऑल राइट। 6 सेंटीमीटर बोला है तो मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँगा और 4.5 यहाँ पे ले लूँगा। जो बड़ा नंबर होता है वो बड़े लाइन पे ले लो, अपोजिट साइड से इक्वल, और बाकी का जो सेकेंड वाला है वो इधर ले लो। अभी क्या बोला, ए बी ना, तो ए और बी लिख दो इस 6 सेंटीमीटर बराबर। बी सी, बी और सी इधर है कनेक्ट करते हैं सी, तो ए बी सी डी ऐसे करके करो। थोड़ा कॉमन सेंस इधर इस्तेमाल करना होगा, पहले बड़ा नंबर देखो इधर दोनों तरफ लिख दो ऊपर नीचे, बिकॉज ये लाइन बड़ा है और ये छोटा नंबर है 6 है ना, तो यहाँ पर लिख दो। अभी ए बी बोला है तो ए बी मैंने लिख दिया 6, बी सी तो बी के बाद सी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो ए बी सी डी बन गया। अभी हम क्या करेंगे, बेस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही लेता हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो, थोड़ा नीचे लेता हूँ चलो। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो 6 सेंटीमीटर ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 4.5 का आर्क्स बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ, 4.5 ना ये देखो, और आप प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके 90 डिग्रीज ड्रॉ कर सकते हो, या तो पहले आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे वो भी बेटर होगा मेरे हिसाब से ओके। ठीक है 90 डिग्री मैंने बना दी। अभी देखो यहाँ पर जो मैंने आर्क्स बनाया था 4.5 का, इधर ऐसे एक मार्किंग करते ठीक है, ताकि आप लोगों को लाइन ड्रॉ करने में इजी पड़े। फिर देखो यहाँ पे ऐसे एक लाइन जस्ट खींच दो, यहाँ पर मेरा जो ये प्रोट्रैक्टर थोड़ा आधा टेढ़ा है, सॉरी फॉर दैट। देखो ऐसे बनाना है आप लोगों को और फिर लिख दो जैसे कि ए बी सी डी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4.5 4.5 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ओके इजी है ये, ऑल राइट। तो ये है करेक्ट एंगल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड सम, इजी था इसके लिए मैं आप लोगों को, आप चाहे तो साथ में पॉज कर लो ना, ये पेज पे मैं कर लेता हूँ। सेकेंड वाला है ड्रॉ अ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड विद साइज 5.2 सेंटीमीटर। तो साइड है, स्क्वायर की बात चल रही है, स्क्वायर में आप लोगों को पता ही है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो 5.2 सेंटीमीटर तो नथिंग मच। एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिए, रुको मैं ज़रा प्रॉपर ये करता हूँ, एक स्क्वायर बन गया। अब इसका लेबलिंग क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और प्रीवियसली जैसे हमने किया था प्रैक्टिस सेट में वैसे ये पैटर्न में कर सकते हो। यहाँ पर 5.2 5.2 5.2 5.2 ओके अभी आप बेस लाइन का इस्तेमाल कीजिए। एक सेकेंड राउंड ओके 5.2
ये बना दिया। अभी आप डी का इस्तेमाल कर सकते हो और 90 डिग्री ले सकते हो जस्ट लाइक प्रीवियस सम। यहाँ पर ना जो आप लोगों ने आर्क्स बनाए थे जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींचे। ओके तो ये भी बन गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। एंड एल डब्ल्यू एक्स Y, Z, 5.2 5.2 5.2 एंड 5.2। ओके तो चलिए तो इसे आप पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे आगे का सम। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा है रोम्बस के बारे में, रोम्बस का के एल एम एन, और इसे हमें ड्रॉ करना है। एंड इट्स साइड इज, साइड कितना है, चारों साइड 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन मेजर ऑफ एंगल के है 75 डिग्री। तो इसका रफ फिगर किस तरह से आपको सोचना है, बिकॉज साइड्स तो स्क्वायर की तरह होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड ये एंगल दिया। तो जब आप एक रोम्बस इसे नॉर्मली एक रफ फिगर बनाओगे, के का एंगल यहाँ पर होना चाहिए जो 75 डिग्री है, तो ताकि आप लोगों को आर्क्स बनाने में ईजी पड़े। तो के एल एम और एन ऐसे ले सकते हैं आप लोग, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिया, ताकि हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर से हम एक प्रोट्रैक्टर का हेल्प ले सकते हैं। 75 डिग्री यहाँ यहाँ होगा तो रॉन्ग हो सकता है, राइट। इसके लिए अभी सबसे पहली बात हम 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे विथ द हेल्प ऑफ स्टेंसिल्स। ये देखो 4 सेंटीमीटर, 75 डिग्री। अभी 75 डिग्री इज 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर 70 और 80 के बीच में जो एक पॉइंट मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हो। पहली बात थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, और यह इतना बस है। अभी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से करना होगा, बिकॉज ये रोम्बस है। तो देखो ये अभी यहाँ पर एक सॉल्विंग पार्ट आता है 75 डिग्री। मैंने क्या कहा था, ऑपोजिट 75 होगा, लेकिन एडजेसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 180 से माइनस कर सकते हैं, बिकॉज एंगल के प्लस एंगल एल इज़ 180 डिग्री। ओके जब सामने सामने होता तो हम लोग को 180 से माइनस करना होगा। 75 L 180, एंगल L 180 माइनस 75, एंगल L का कितना होगा 180 माइनस 75 10, ओके 5 डिग्री। ओके ओके 5 क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 105 डिग्री लूँगा यहाँ पर। अभी ये 105 डिग्री भी 90 से ज़्यादा होगा, बराबर, तो ऐसे ओपन होगा, बंद नहीं होगा, ओपन होगा, 90 से ज़्यादा है। तो मैं ज़रा इसे रब कर सकता, आपको चाहिए तो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बस आपको 180 से माइनस करना है, ठीक है, आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसके लिए। सॉरी, अभी 105 डिग्री 100 और 110 के बीच में, इसको भी आप इसी तरह से स्टेंसिल का इस्तेमाल करके लाइन खींच सकते हो। ओके तो ये रहा 105 डिग्री। अभी मैं ज़रा ऐसे लूँगा इसको, ज़रा राउंडर के इस्तेमाल से 4 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करूँगा।
यहाँ से एक आर्क मैंने यहाँ पे खींचा और एक आर्क यहाँ पे, ओके। अभी इसका इस तरह से लाइन खींचा जा सकता है और फिर ऐसे लेके आप ये जो दो पॉइंट्स हैं इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका रोम्बस, तो ऑपोजिट ये भी 75 डिग्री हो गया, ये ऑपोजिट 105 डिग्री, ओके। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन रोम्बस। तो अभी क्या था, एन एम एल के, ओके, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4, ये 4, ओके। इसे आप पॉज कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एक सम है, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन जैसा नहीं है, यहाँ पर एक सम है। डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल की बात चल रही है, पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक रफ रेक्टेंगल। डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26। डायगनल मतलब ये जो अंदर का लाइन होता है, ऐसे क्रॉस होता है ना, तो 26 है। एंड वन साइड इज 24, फाइंड द अदर साइड। सो 24 है तो ये बड़ा नंबर होगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फाइंड द अदर साइड मतलब ये, तो मैं ए बी सी डी का इधर नेमिंग देता हूँ तो बेटर होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। अभी देखो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो देखो, ये 24 है तो ये भी 24 हो गया, लेकिन इसका नहीं पता हमें, ओके, ए बी और सी डी का। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, हाँ ये ट्राइंगल ले रहा हूँ सिर्फ इतना, ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले स्लोप लाइन लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पहले ये लेते हैं, प्लस इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाकी का ए सी स्क्वायर क्या था स्टूडेंट्स, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए बी का क्या है, ए बी का नहीं दिया गया है, बी सी क्या है, 24 स्क्वायर। ओह, अभी मैं शायद यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं, हाँ मेरे पास है कैलकुलेटर, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 26 का कितना होता है 676, ए बी स्क्वायर, और 24 का कितना होता है, 24 ओके 576, ओके। ये ए बी स्क्वायर को हम साइड में रखते हैं, तो एक काम करते हैं, ए बी स्क्वायर को यहाँ लेते हैं और 576 एज इट इज़ यहीं, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर आएगा, ये मैंने यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर आएगा। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये ए बी स्क्वायर यहीं लेते हैं और ये 676 यहाँ है, 576 को इस तरफ लेते हैं। अभी कितना हो गया ये 100, ठीक है, वापस समझा तो रुको। ए बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर लाया जहाँ पर है, इक्वल्स टू है, 676 भी उधर है, बस इसको मैं इस तरफ लेके आया, माइनस कर दिया ऑपोजिट साइन। ए बी स्क्वायर हटा के हम रूट 100 कर देते हैं, तो क्या है, 10 10 100, तो आंसर है 10। सो देयरफॉर ए बी इज 10, इवन सी डी इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ओके। तो आप ये दोनों सम पॉज कीजिए, उसके बाद हम आगे का सम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताया है, लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ रोम्बस, ओके, रोम्बस के बारे में बताया गया है। तो ऐसे एक रफ फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेंसिल से कीजिए, एग्जामिनेशन में पेन का इस्तेमाल ना करें, टीचर्स आपका मार्क्स कट कर सकते हैं इसके लिए। लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस ए बी सी डी, तो मैं ए बी सी डी आर 16 डायगनल्स बोला है, साइड्स नहीं बोला, डायगनल्स मतलब ये होता है, तो डायगनल्स का है 16 एंड 12, तो ए सी मैं 16 लूँगा और बी डी 12 लूँगा, तो ए सी 16 सेंटीमीटर का है और बी डी है 12 सेंटीमीटर का, ओके। फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, साइड्स मतलब ये चारों साइड सेम होंगे, एक तो हमें साइड फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर,
पेरीमीटर का भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ. पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 4 इंटू साइड. ओके, 4 इंटू साइड, कोई भी एक साइड ले लो, सेम ही होता है, उसको मल्टीप्लाई करो 4 से. पहली बात, हमें साइड फाइंड आउट करना है, बराबर. तो हम क्या करेंगे, बीच में एक लेटर लिखेंगे जो है एम, मतलब ऐसे एक लेटर देंगे बीच में, डायगनल्स के बीच में. ओके, तो पहली बात एसी का देखते हैं. एसी 16 सेंटीमीटर, बराबर. हमें क्या करना है, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है. अगर आप देखो तो हम ए एम बी ये जो है इसका पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं. तो ए एम क्या होगा, ए एम बी में हम लोग को ए एम क्या मिलेगा, हाफ ऑफ 16, तो कितना हो गया 8. ओके, ए एम मिल गया. और अब हम बी डी देखते हैं स्टूडेंट्स. बी डी है 12 सेंटीमीटर. बी एम, अभी देखो ए एम हो गया, बी एम फाइंड आउट करना है, विच इज़ हाफ ऑफ 12, 6. बी एम भी मिल गया. अभी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इन ट्राइंगल ए एम बी मेजर ऑफ एंगल ए एम बी इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा स्लोप लाइन, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो एक चीज़ याद रखना है, स्लोप लाइन होगा ए बी. ओके, जब भी देखो ये डब्बा है, ऐसे बॉक्स रहेगा 90 डिग्री, ए एम, एम एंगल 90 डिग्री होगा बीच का, तो बॉक्स के ऑपोजिट जो लाइन होता है ए एम, ए बी, तो वो पहले आएगा. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. ओके, अभी ए बी स्क्वायर तो नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी सब तो दिए हैं, जैसे कि ए एम इज 8 स्क्वायर, बी एम इज 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36. तो कर 64 प्लस 36 प्लस 4 10, 100. ओके, तो ए बी हटा के हम 100 पे स्क्वायर साइन देंगे, तो इसको स्क्वायर रूट हटा दिया, 10. तो ए बी अपना 10 हो गया, सब साइड्स कितने आ रहे, 10. ओके, अभी हम पेरीमीटर देखते हैं, तो साइड इज 10 ऑल ओवर पेरीमीटर. पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड ना, तो 4 इंटू साइड यहाँ पर, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर है साइड और 40 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी. तो इसे आप पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ओके देन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर. ओके, तो स्क्वायर की बात चल रही है, तो चारों तरफ 8 सेंटीमीटर साइड दिया बोला गया है, और आपको लेंथ ऑफ अ डायगनल डायगनल फाइंड आउट करने के लिए बोला है. यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ए बी सी डी लिख देंगे सीधा, और ये जो है ए सी ए बी सी, तो ये 90 डिग्री हो रहा है, चारों तरफ 90 डिग्री है, तो हम इनमें से ये ए बी सी का एंगल लेंगे. ओके, तो अपने को डायगनल मिल जाएगा. ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, और फिर लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, स्लोप लाइन, अब ये बॉक्स के ऑपोजिट वाला लाइन होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर तो नहीं दिया गया है, ए बी 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 64 प्लस 64. ओके, कितना हो गया, 128. अब ए सी इसके ऊपर 128 का स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे, 128 है. ओके, मैं वापस से बराबर लिखता हूँ, 128. अभी 128 में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, एक तो इसमें स्क्वायर रूट ऐसा आना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए नॉन स्क्वायर, जैसे कि 64 2 जा, एक तो स्क्वायर हो रहा है, जैसे 8 8 जा 64, तो इसका रूट हट गया और ये 8 रूट 2 हो जाएगा. ठीक है, ये समझो, जैसे उसमें 100 था, 10 10 था, इसमें बराबर का नहीं जाता, एक स्क्वायर जाता है, एक स्क्वायर नॉन स्क्वायर जाता है, जैसे कि 2 स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट में इंक्लूड नहीं होता, वो तो रूट ही आएगा उसके ऊपर. लेकिन 64 का क्या होता है, 8 8 जा, तो 8 बाहर गया और √2 हो गया, तो इसका जो ए सी है डायगनल है, तो 8 √2 आंसर आता है. ओके, इतना ही है और कुछ नहीं है. ओके, तो इसे आप पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. ओके, तो यहाँ पर जगह है, तो मैं ज़रा इस पे ही कर देता हूँ, उसमें क्या बड़ी दिक्कत की बात है.
मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोम्बस. अच्छा रोम्बस की बात चल रही है तो मैं ज़रा रोम्बस एक छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ. इज 50 डिग्री, तो एक एंगल ऑफ रोम्बस 50 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर 50 डिग्री लेता हूँ. फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स, ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने. तो ए बी सी डी लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पर कोई लेटर्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया. अभी देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी इज 50 डिग्री. सो एज वी नो दैट अपोज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. ऑफ अ रोम्बस लिखो आर इक्वल, यहाँ पर जगह नहीं इसके लिए मैं रोम्बस नहीं लिख रहा हूँ. सो देयरफॉर एंगल डी इज 50 डिग्री. ये एक हो गया. अभी ये जो है एडजस्ट, ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट. ओके एग्जिस्ट एडजेसेंट को क्या करना रहता है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकता, एडजेसेंट या फिर इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकती हूँ. इंटीरियर एंगल्स देखो, एंगल बी कितना है 50, और सी तो नहीं दिया गया है 180. 180 माई इस तरफ जाएगा तो 50 हो जाए. एंगल सी इज इक्वल्स टू ये 130 हो रहा है. ओके तो एंगल सी भी 130 हो गया. अब सेम वे में आपको ये भी लिखना है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये सेम लिखना है. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो, पूरा लिखो. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल ए इज ऑल्सो 130 डिग्री. ये रहा 130, तो देयरफॉर एंगल सी इज 130, एंगल डी इज 50 एंड एंगल ए इज 130 अगेन. तो इसे आप पॉज कीजिएगा. ओके इसके आगे कोई सम्स तो है नहीं, तो फिलहाल के लिए तो समाप्त हो गया.